अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? होप सो सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी मज़े में गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आ गया हूँ जिसके अंदर हम थाईलैंड चिली गार्लिक प्राउन्स बना रहे हैं विद गार्लिक राइस। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। मैं थोड़ा सा प्रॉन्स आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टाइगर प्रॉन्स है। टाइगर प्रॉन्स को मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। टाइगर प्रॉन्स को साफ़ करके मैंने अच्छे से विद टेल ली है, मैंने इनको कट लगा के अच्छे से अंदर से साफ़ कर लिया और अच्छे से वाटर से वॉश करके रख लिया। और अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने इन्हें मैरिनेट करके रखना है, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगा सिंबॉलिक सॉस, लूँगा सिंबॉलिक चिली है, सिंबॉलिक सॉस लेनी है आपने। हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हम लोगों ने सिंबॉलिक चिली ऐड कर ली। उसके बाद 2 pinches ऑफ वाइट पेपर, थाई चिली पेस्ट लिया मैंने हाफ टी स्पून। आफ्टर दैट मैं इसके अंदर 1.5 teaspoon लेमन जूस ऐड करूंगा, 1/2 teaspoon फ्रेश चॉप गार्लिक ऐड करूंगा, 1 pinch ऑफ ऑरिगेनो ऐड करूंगा, ये मैंने ऐड कर लिया, और थोड़ा सा लाइट सा ऑयल ऐड करूंगा। और सबसे लास्ट पे मैं इसको 1/2 teaspoon सॉल्ट लगाऊंगा। ये हमारी मैरिनेशन है। प्रॉन्स को मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूंगा। लेमन जूस और गार्लिक का आप लोग अगर लग रहा है कि प्रॉन्स फ्रेश है और स्मेल बहुत ज़्यादा है प्रॉन्स की, तो प्रॉन्स की थोड़ी स्मेल ख़त्म करने के लिए जब इसे वॉश करते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने चिल्ड वाटर लेना है। चिल्ड वाटर लेके उसके अंदर लेमन जूस, गार्लिक और सॉल्ट ऐड कर देना है, और इनको 20-25 minutes के लिए आपने डिप कर देना है, और उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेना है इनको कट्स को। तो उस आफ्टर डैट आपके जो प्रॉन्स हैं उनके अंदर जो स्मेल आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए बहुत मज़े के प्रॉन रेडी हो जाएंगे। मेरी इसकी मैरिनेशन हो गई है, मैं इसको अपने साइड पे कर रहा हूँ। मैरिनेटेड प्रॉन्स ले लिए थे, मैरिनेटेड प्रॉन्स को मैं ग्रिल कर लूँगा अच्छे से। इनको मैं ग्रिलिंग की तरफ ले गया हूँ। अब हम इनको 1 by 1 करके अच्छे से ग्रिल कर लेंगे अपने पास। चलिए जी, अब हमारे प्रॉन्स अच्छे से हो चुके हैं ग्रिल्ड। हमने प्रॉन्स ग्रिल कर लिए, इनको ज़्यादा ग्रिल नहीं करना, 30 seconds to 45 seconds, इससे ज़्यादा प्रॉन्स ग्रिल नहीं करते, अदरवाइज प्रॉन का जो अपना फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने ये कर लिए, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। मुझे तो बहुत मज़े का अरोमा आ रहा है, लेट्स सी कि ये कैसे बनते हैं। अब हम लोग इसकी सॉस की जानिब जाएंगे। इसके लिए हमें सॉस करनी है, और सॉस से पहले हम लोग राइस रेडी कर लेते हैं ताकि हमारे पास राइस रेडी हो तो हम सॉस के अंदर अच्छे से टॉस करके इनको प्रेजेंट कर सकें। तो सॉस के लिए मैंने सबसे पहले मैंने फ्राई पैन ले लिया। चलें जी, अब हम लोग राइस की तरफ आते हैं, हम अपने राइस रेडी कर लेते हैं सबसे पहले। आफ्टर दैट हम सॉस की तरफ जाएंगे। तो हम लोग राइस के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने, लाइट सा, ज़्यादा ऑयल का यूज़ आप लोगों ने नहीं करना, लाइट सा ऑयल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं अपने राइस ऐड कर लूँगा एक पैन के अंदर जिसमें मैंने ऑयल लगाया हुआ है। इसी के अंदर मैं अपना गार्लिक है जिसको मैंने गोल्डन करके रखा हुआ है, आपने गार्लिक गोल्डन करके बर्न करके रख लेना थोड़ा सा, जिससे इसका फ्लेवर आएगा। ठीक है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, कई लोग पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो फ्रेश इस तरह ब्राउन करके उसका जो अरोमा आता है वो किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं आता। अब हम लोग चलते हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड कर दूँगा, और साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 teaspoon वाइट पेपर ऐड कर दूंगा।
सॉल्ट का यूज़ कम से कम करना है बिकॉज हमने इसके अंदर सोया सॉस यूज़ करनी है और सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होती है, तो इसलिए हम लोग कम यूज़ करेंगे सॉल्ट का। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दी इनको कलर टेक्सचर देने के लिए, ब्राउन टेक्सचर देने के लिए। आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं ऐसे लगा के। मैंने बॉईल करके पहले राइस रखे हुए थे, राइस बॉईल करने का तरीका क्या ये है कि आपने कोई सॉल्ट नहीं ऐड करना, आपने ऑयल ऐड करना है जस्ट वाटर के अंदर और थोड़ा सा विनीगर ऐड करना है और उसके अंदर अपने राइस अच्छी तरह बॉईल कर लेने हैं। बहुत मज़ा आएगा, गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है फिलहाल तो। इस तरफ हमारे राइस रेडी हो चुके हैं, हम लोग इनको एक साइड पे कर देंगे। लोग सॉस की जानी आ चुके हैं, हम लोग ऑयल ऐड कर लेंगे अपना थोड़ा सा पैन के अंदर, पैन को अच्छे से गर्म करेंगे। दूसरी जानब हम अपना स्पून ले लेते हैं, ग्रेवी स्पून लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने ऑयल गर्म हो गया, हम इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक थोड़ा सा सोते हो रहा था तो हमने साथ ही अपनी थाई रेड चिली 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर ली, इसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम साथ ही इसके अंदर अपना 1 टीस्पून सिंबॉलिक चिली ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा स्टॉक लगाएंगे वाटर का ताकि ये ज़्यादा बर्न ना हो जाए। ये हमारी आ चुकी है स्टॉक, हम आग थोड़ी सी हल्की कर देंगे। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप पे मैं लगाऊंगा 1 टीस्पून ऑफ ऑयस्टर सॉस। एंड 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। साथ इसको मैं फ्लेवर दूंगा व्हाइट पेपर का एंड सॉल्ट एंड 1 पिंच ऑफ चिकन पाउडर। ये हमारा फ्लेवर था और इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स में थोड़े से अनियंस ऐड करूँगा जुलियन हुए, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम एंड येलो कैप्सिकम। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। चलें जी, हमारी सॉस रेडी हो चुकी है, अब हम इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके लगाना, एकदम ज़्यादा सारा नहीं लगा देना, अदरवाइज़ फिर आप लोग कहेंगे हमारी सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी और हमें पता भी नहीं चला। ये हमारा सॉसी टेक्सचर आ गया सॉस का, सीरियस वन, एक बार में परफेक्ट। हम लोग इसके अंदर अपने प्रॉन्स ऐड कर लेंगे जो हमने ग्रिल करके रखे थे, हमने अपने प्रॉन्स ऐड किए और हम इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। हम लोग चूंकि लेके आ चुके हैं, हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है। मैंने एक अदद बाउल लिया, उसके अंदर मैं अच्छे से ऑयलिंग करूंगा। अक्सर लोगों को होता है हम लोग ऐसे उठाते हैं तो हमारे चावल पूरे के पूरे क्यों नहीं निकलते। अच्छे से पहले उसे अंदर से ऑयलिंग कर ले प्रॉपरली, ठीक है। ऑयलिंग करने के बाद हम लोग अपने राइस लेंगे जो हम लोगों ने रेडी किए हुए हैं, गार्लिक राइस। ये हमारी हो चुके हैं, राइस आ चुके हैं। दूसरी जानिब हमारे पास आ जाएंगे हमारे प्रॉन्स की ग्रेवी के साथ, प्रॉन्स आ जाएंगे हमारे। फ्लेवर आ रहा था, ये आ गई हमारी सॉस और इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे
1 to 2 pieces of capsicum like this and like this, like this. ये हमारे थाईलैंड चिली गार्लिक प्राउन्स रेडी हो चुके हैं और इस तरफ से मैं राइस के बॉल को यूं उठा दूंगा और ये हमारे राइस और प्राउन्स रेडी हो गए। सो मेंबर्स, हमारा जो थाईलैंड चिली गार्लिक प्राउन्स विद गार्लिक राइस वो रेडी हैं, आज हमने बनाए थे। होप सो आपको पसंद आएंगे, आप भी ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।